Hey foodies, how you doing today? Welcome back to my channel, No Digest Bite. आज बनने जा रहा है हमारे किचन में शाही टुकड़ा। जी हाँ, घर में पड़ी हुई चीज़ों से आप झटपट से ये डेजर्ट अपने मेहमानों के लिए, खुद के लिए बना सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए हैं। मेरे पास अराउंड 8 स्लाइसेस रखे हुए थे, सो मैं 8 स्लाइसेस से ही बना रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें 10, 12, कितने भी स्लाइसेस से बना सकते हैं। सो फिलहाल मेजरमेंट के हिसाब से 8 स्लाइस इसके साइड्स मैंने काट लिए हैं, और आप चाहें तो बड़े वाले जो सैंडविच ब्रेड आते हैं वो भी लेके बीच से काट सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून घी गरम कर लिया है, और इसी घी में अब हम हमारी जो ब्रेड है उसको सेक लेंगे, ठीक है। ब्रेड को उतना सेकना है, फास्ट आंच पे मत करिएगा, वरना ऊपर से लाल और काला हो जाएगा, अंदर से वो ब्रेडी ब्रेडी रहेगा। सो ये देखिए, मेरा एकदम टोस्टी वाला ब्रेड रेडी हो गया है। अब इसी तरह मैं बाकी के 4 भी फ्राई कर लूँगी। आपको अगर घी कम लगे तो आप उसमें ऐड कर लीजिए। बहुत गर्म है ये ब्रेड, ठीक है। अभी मैं इसे प्लेट पे एडजस्ट कर दे रही हूँ। आप इसे इसी तरह लगा के रख दीजिए, बाकी का प्रोसेस होने तक आप ऐसे ही प्लेट में इसे रख दीजिए, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे के प्रोसेस पे, जो है उसी पैन में जिसमें मैंने घी लिया था। ये रहा मेरा पहला जुगाड़ू चीज, जो है रसगुल्ले का पानी, ठीक है। रसगुल्ले का जो सिरप बाहर से आया हुआ था, सो उसका सिरप बच गया था, सो उसी सिरप पे मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया, और इससे हमारा गाढ़ा वाला एक दूध मैंने रेडी कर लिया, ठीक है। अराउंड 1 कप मैंने इसमें पानी लिया था, पानी मतलब जो रस है रसगुल्ले का, और उसमें 4 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध का पाउडर डाल दिया, ठीक है। वो गाढ़ा सा एक दूध रेडी हो गया है मेरा, ओके। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मलाई, जो हमने घर में मंगाई हुई थी एक दिन पहले, सो फ्रिज में रखी हुई थी, सो वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। ये मैंने स्पेशली कोई भी चीज़ मंगाई नहीं है इस शाही टुकड़े को बनाने के लिए, जो भी घर में रखा था मैंने उससे बनाया। सो क्योंकि फ्रिज में रखी थी, इसे थोड़ा सा मैं स्लो आंच पे बना रही हूँ, फास्ट पे नहीं। सो इसे तोड़ दूंगी थोड़े चम्मच की मदद से। फिर ये कलाकंद मेरे जीजा जी लेके आए थे एक दिन पहले, फ्रिज में रखी थी, सो उसका भी एक टुकड़ा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे ना, मैंने कोई इलायची पाउडर कोई भी इसमें फ्लेवर ऐड नहीं किया है, क्योंकि वो मिठाइयों में ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो उससे मैंने अब फास्ट आंच करके थोड़ा उबाल ला दिया, और उसके बाद उसी रबड़ीदार दूध को मैं अपने ब्रेड पे पूरी तरह अच्छे से सोक कर दूंगी। ये देखिए, एक एक करके चम्मच से मैं, एक एक ब्रेड भीग जाए आप एक एक करके उस पर ऐड करते जाइए, ठीक है। बस इतना आप ध्यान रखिए कि आपके ब्रेड को सोक करने के लिए रबड़ी मिल जाए। उसके बाद आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हो, जो आपको सजाना हो, जैसे मेरे पास पेटल्स रखे थे तो मैंने पेटल्स भी डाल दिया। सो इंजॉय करिए ये डेजर्ट, एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू अगेन टुमारो। बाय बाय।